हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट्स एंड कमोडिटी मार्केट्स के अपडेट के साथ। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो जैसे हमारी पहले भी बात हो चुकी है, ग्लोबल मार्केट्स बहुत वोलेटाइल हैं एंड जब तक वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आती है, इंडियन मार्केट्स में भी आपको स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी। एंड उसका सबसे पहला कारण यही है, इन्फ्लेशन का कल रात को शाम को डेटा आया था यूएस में एंड उसकी वजह से, एंड वो अबव एस्टिमेट था। लोगों ने 8.1 का एस्टिमेट वहाँ के इकोनॉमिस्ट ने लगाया था अनुमान, एंड 8. उसके बाद फेड के एक मेंबर ने एक बयान दिया कि हम एग्रेसिव रेट हाइक, विच इज अराउंड 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करने की सोच सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट्स कल ऊपरी स्तरों से गिरे यूएस में। पर अगर वहाँ के जो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हम ट्रैक करते हैं, उनका ये मानना है कि 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा भी नेक्स्ट 2 मीटिंग्स में रेट हाइक्स नहीं होंगे। देन सितंबर की मीटिंग में देखा जाएगा कि उस टाइम कैसा डेटा रहता है इन्फ्लेशन का, उस पर ये लोग डिसाइड करेंगे। तो मेन कारण इन्फ्लेशन की वजह से ही है कि यूएस में बिकवाली जारी है एंड पीक इन्फ्लेशन का स्तर जब आता है, इन्फ्लेशन जब, और जो कल ही हम अनुमान हम लोग लगा रहे थे कि अगर इन्फ्लेशन पीक आउट हो जाता है तो मार्केट कल ही घूम जाती, पर ऐसा कल नहीं हुआ। तो आपको अभी एक दो लीडिंग इंडिकेटर्स मैं आपको देता हूँ मार्केट्स में मैक्रो फैक्टर्स के लिए, जब जब पीक इन्फ्लेशन होता है मार्केट्स विल टर्न अराउंड। अगर यूएस में नेक्स्ट मंथ का डेटा अराउंड जो 10 जून को आने वाला है इन्फ्लेशन का, अगर इन्फ्लेशन काम डाउन हुआ या मॉडरेटली कम भी हुआ, तो यू विल सी मार्केट टर्निंग अराउंड। जो आपको ये गिरावट दिख रही है मार्केट्स में, ये आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिल सकता है मार्केट्स में। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है इन्फ्लेशन के स्तर पे। अगर इन्फ्लेशन का स्तर पीक आउट हो रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट्स रिवर्स करेगा, एंड जो कि एक्सपर्ट्स का मानना है मई जून में पीक आउट हो जाना चाहिए। दूसरा जो है, डॉलर कब पीक आउट होता है, डॉलर इंडेक्स में अभी आगे हम बात करेंगे। दूसरा जो इकोनॉमिक फैक्टर है, मैक्रो फैक्टर है, वो है डॉलर। डॉलर का पीक आउट होना बहुत ज़रूरी है इमर्जिंग मार्केट के लिए। तो डॉलर जो अभी मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे बात कर रहा था, 104-104 के आसपास रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, आज उसने थोड़ा वहाँ से ब्रेकआउट दिया है, बट आई डोंट थिंक सो ये इतना सस्टेन करने वाला है। अगर ये करता है तो हम उसको आगे देखेंगे, बट डॉलर का पीक आउट होना भी एक लीडिंग इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट्स के लिए। तो आपको इन्फ्लेशन के डेटा पे नज़र रखनी है एंड डॉलर इंडेक्स पे नज़र रखनी है। जैसे ही ये पीक आउट होंगे आपका मार्केट बॉटम आउट हो जाएगा। एंड अगर हम बॉन्ड मार्केट की बात करें तो बॉन्ड मार्केट थोड़ा डाउन है, विच इज़ कल थोड़ा डाउन था, विच शोज़ कि मार्केट्स हैव प्राइज्ड इन ऑल द रेट हाइक, इंटरेस्ट रेट हाइक्स इन यूएसए एंड एटलीस्ट नेक्स्ट 2 रेट हाइक जो 50 बेसिस पॉइंट के हमें लग रहे हैं वो तो बॉन्ड मार्केट्स ने प्राइज इन कर ही लिए। एंड मार्केट्स अभी बहुत वॉलेटाइल हैं, इंटरनेशनली भी, ग्लोबली भी एंड इंडियन मार्केट्स भी। आई कैन अश्योर यू ओनली वन थिंग कि ये वक्त ज़्यादा लंबा चलने नहीं वाला। वी आर नॉट गोइंग टू सी दिस फॉर लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड। तो चलिए अब ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। एंड आप उससे पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, ये वीडियो मैं अराउंड 8 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसके बाद अगर वॉलीटिलिटी बढ़ती है या कम होती है तो वो हमको मार्केट्स में देखना होगा। अगर हम बात करें डाउ जोन्स की, यूएस के मार्केट में डाउ जोन्स इज ट्रेडिंग अराउंड 107 पॉइंट डाउन, 107 पॉइंट नीचे है डाउ जोन्स। S&P 500 13 पॉइंट डाउन है, नैसडैक 100 21 पॉइंट डाउन है। अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं तो डाउ जोन्स इज नियर अबाउट ओवरसोल्ड एंड 31,000 का जो लेवल है
31,000 का लेवल डाउ जोन्स में टूटना नहीं चाहिए। अगर डाउ जोन्स 31,000 के लेवल के नीचे क्लोज देता है तो मार्केट्स में ट्रबल और बढ़ सकता है, एंड एंड अगर नहीं देता है तो फिर हम एक छोटा ही से पुल बैक या बाउंस बैक, स्ट्रॉन्ग पुल बैक के उम्मीद कर सकते हैं मार्केट्स में। अगर हम डैक्स की बात करें, जर्मनी का मार्केट इज अराउंड 149 पॉइंट डाउन, कैट फ्रांस का मार्केट इज अराउंड 84 पॉइंट डाउन, फुटसी यूके का मार्केट इज अराउंड 113 पॉइंट डाउन। अगर हम निकाई की बात करें तो निकाई 2% डाउन है अराउंड, एंड हैंगसेंग भी 2% डाउन। तो ग्लोबल मार्केट्स में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी चल रही है, जिसका असर हमको हर मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है, इमर्जिंग भी और डेवलप्ड मार्केट। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड इज ट्रेडिंग अराउंड 107.5, एंड ये एक रेंज में फंसा हुआ है। 115 इसका ऊपरी स्तर है एंड 100 का लेवल निचले निचले स्तर से है। तो अगर हम बात करें इंडियन मार्केट्स के लिए तो एटलीस्ट $102 के नीचे क्लोजिंग चाहिए हमें ब्रेंट क्रूड की, तब तक हम कोई भी बड़ी रैली या सस्टेनेबल रैली मार्केट्स में नहीं देख सकते हैं। एंड ये अभी भी रेंज बाउंड में है, तो जब तक ये इस रेंज में है इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हम कर नहीं सकते। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो जैसा कि मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, डॉलर कब पीक आउट होता है या कब होगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड 104 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है डॉलर के लिए। अभी उसने इसको क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है, बट डॉलर जब तक पीक आउट नहीं होगा मार्केट्स में कोई भी बॉटमिंग आउट के सिग्नल्स नहीं आएंगे इनिशियली, स्पेशली इन इमर्जिंग मार्केट। तो अगर हम बात करें डॉलर की, तो ये आपका मंथली चार्ट आपको दिख रहा है डॉलर का, डॉलर इंडेक्स का ट्रेडिंग अराउंड 104.5, ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है, पर ये है या नहीं इसके लिए हमको थोड़ा और वक्त देना चाहिए। इंडियन मार्केट्स के लिए 102.5, 102.5 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता है कोई भी बड़ी रैली मार्केट्स में नहीं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी निफ्टी का कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको एक ब्रॉडर और लॉन्ग टर्म व्यू देना चाहता हूँ निफ्टी का। निफ्टी का ये मंथली चार्ट है, एंड जब से ये बुल मार्केट शुरू हुई है अराउंड एक साथ जुलाई जुलाई 2020 के बाद से निफ्टी ने कभी भी EMA 21 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी ऑन मंथली चार्ट। तो अगर हम बात करें निफ्टी के लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस की, तो सपोर्ट्स तो आपको इस चार्ट में साफ साफ देखने को मिल रहा है, ये जोन जो है आपका ये वाला जोन, एंड EMA 21 विच इज अराउंड 15,551, 15,551, 15,551। आप अगर रफली 15,500, 15,500 टू लास्ट स्विंग लो जो था अराउंड मार्च का, वो था ये आपका 15,671। तो 15,500 टू 15,650 आपके लिए स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मार्केट, एंड ये आसानी से नहीं टूटना चाहिए। एंड हो सकता है मार्केट्स यहाँ पे बॉटम बना के एक पुल बैक दे। तो अगर हम अब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आए, तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था मार्केट्स के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो मार्केट्स में अभी पहला सपोर्ट जो कल आएगा वो आएगा 15,650, 15,650, 15,650 कल के लिए पहला सपोर्ट जोन है, एंड दूसरा 15,500। तो 15,500 से 15,650 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर मार्केट फॉर टुमोरो। एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में पहला रेजिस्टेंस है 16,050, 16,050, एंड सेकेंड रेजिस्टेंस इज अराउंड 16,250। जब तक मार्केट इसके नीचे है आप कोई भी लॉन्ग साइड की ट्रेड लेने की चेष्टा ना करें। अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा की बात करें, तो निफ्टी में ऑप्शन चेन डेटा में सबसे ज़्यादा कॉल लेटर जो हैं वो हैं 16,000 पे, 16,000 पे अराउंड 37.6 लाख कॉल लेटर्स हैं।
और 19 मई 2022 की एक्सपायरी में, क्योंकि आज एक्सपायरी हुई है तो ज़्यादा पोजीशन बिल्डअप नहीं हुई है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में, ये कल से शुरू होगा तो अभी हम इसको ज़्यादा वेटेज नहीं दे दे सकते हैं। तो अगर हम 16,000 के कॉल लेटर्स की बात करें तो अराउंड 37 लाख कॉल लेटर्स हैं, एंड पुट राइटर्स जो हैं वो अराउंड 15,800 से 18 लाख हैं, एंड उसके अलावा तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। 15,900 पे भी हैं 19 लाख, तो यही है। अभी ज़्यादा ऑप्शन चेन के डेटा में बिल्डअप नहीं है तो इसके बारे में डिस्कशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम पीसीआर की बात करें तो निफ्टी का पीसीआर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक का अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, ये मंथली चार्ट है निफ्टी बैंक का, तो जहाँ से रशिया यूक्रेन के वॉर के लो से हम घूमे थे वो से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मार्केट्स के लिए, और निफ्टी बैंक के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। निफ्टी बैंक भी कभी भी जब से बुल मार्केट शुरू हुई है EMA 21 के नीचे मंथली क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ है क्लोज। तो अगर हम बात करें इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तो वो है अराउंड 32,000 से 32,500, 32,000 से 32,500 निफ्टी बैंक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एंड अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करें और कल की बात करें तो कल के लिए जो है सबसे पहला सपोर्ट जोन 32,700, 32,700, 32,700 से 32,000 का जो जोन है मार्केट्स में निफ्टी बैंक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एंड यहाँ पे आपको बाइंग दिख सकती हो, जैसा कि मैंने आपको कल बोला था 33,500 से 33,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मार्केट्स के लिए। तो आज की क्लोजिंग बाई 33,532 की आई है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है मार्केट में। एंड अगर हम कल की बात करें तो कल के लिए 32,000 से लेके 32,500 एंड 700 का एक सपोर्ट जोन है निफ्टी बैंक के लिए। एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस सबसे पहला, आप जो पहले सपोर्ट का काम करता था वही रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो पहला जो है 34,300 400 जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है मार्केट्स में कल के लिए, एंड उसके ऊपर 34,750 इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी बैंक। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन डेटा की तो निफ्टी बैंक में अराउंड 34,000 के कॉल पे 34,000 के कॉल पे अराउंड 10 लाख कॉल राइटर्स हैं, 33,500 के पुट पे अराउंड 5 लाख पुट राइटर्स हैं, एंड 33,000 पे अराउंड 6 लाख पुट राइटर्स हैं। तो आज ही ऑप्शन की एक्सपायरी हुई है तो अभी ज़्यादा बिल्डअप हुआ नहीं है, कल से हम देखते हैं डेटा को ट्रैक करते हैं। अगर पीसीआर की बात करें तो निफ्टी बैंक का पीसीआर इज अराउंड 0.5978। अगर हम FIIs एंड DIIs की बात करें तो FIIs ने आज 5,255 5,255 करोड़ की बिकवाली की है कैश मार्केट में, एंड DIIs ने आज अराउंड 4,815 करोड़ की खरीदारी की है कैश मार्केट में। जाते जाते एक बार हम US मार्केट फिर से देख लेते हैं। डाउ जोन्स 130 पॉइंट डाउन है, S&P 514 पॉइंट डाउन है, एंड नैसडेक 34 पॉइंट डाउन है। अगर मैं टिप ऑफ द डे की बात करूं तो टिप ऑफ द डे आपके लिए होगा 15,500 इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द मार्केट, एंड फंडामेंटली आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए, एंड लो डेट हाई ग्रोथ कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए। सेक्टर्स आपको हम ट्विटर पे रेगुलरली अपडेट देते रहते हैं आपको कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। एंड फॉर ट्रेडर्स ये इन्वेस्टर्स का जोन है, ये जो मार्केट अभी जो चल रहे हैं ये इन्वेस्टर्स के लिए चल रहे हैं। एंड फॉर ट्रेडर्स यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट 16,050 16,100 का लेवल, जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको एटलीस्ट वेट करना चाहिए कोई भी ट्रेड लॉन्ग साइड पे इनिशिएट करने के लिए। एंड एक और एडवाइस है कि कोई भी बड़ी पोजीशन FNO में ओवर द नाइट लेके मत जाइए।
बिकॉज मार्केट्स आर वेरी वॉलेटाइल, किसी भी साइड किधर भी वो गैप अप गैप डाउन आप खुल सकते हैं, तो यू माइट गेट हर्ट. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, आपको वीडियो से मदद मिलती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट.